हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोग यूनिक सेंटर में मोस्ट वेलकम। तो गाइज, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि जो हमारे 11th क्लास की जो स्टेटिस्टिक है उसकी वीडियो चल रही थी, और हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 में जितने भी टॉपिक थे, जितने भी सारे कंसेप्ट थे, वो सारे के सारे मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिए थे। और जैसे कि लास्ट की वीडियो में हमने देखा था जो चैप्टर नंबर 7 था, उसमें हमने मतलब जैसे कि हिस्टोग्राम, आयतचित्र वगैरह, ठीक है, आवृत्ति बहुभुज वगैरह, ये सारे के सारे टॉपिक देखे थे। और इसके अलावा यार मैंने पाई चार्ट का जो ना कहते ना पाई चार्ट का बहुत स्पेशल वीडियो थी, आप लोग अगर नहीं देखा है ना तो जाके देखो। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करे, तो भाई आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम के चैनल पे आ गए। और जब चैनल पे आ गए ना, तो वीडियो को एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो। यार आपको इस चैनल पर ना बहुत सारे कंटेंट आपको देखने के मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर आपके जो भी मतलब मिड टर्म वगैरह के जो एग्ज़ाम है वहाँ पर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो यार आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है स्टैटिस्टिक का। बट इसमें मैं आप लोगों को बता दूं ना, ये जो चैप्टर है ज़्यादा कोई खास नहीं है, ठीक है। क्या कह रहा हूँ मैं, ज़्यादा कोई खास नहीं है, ठीक है। रीज़न क्या है, इसमें बहुत कम क्वेश्चन होता है, इसमें जो बेसिक बातें होती है आप लोगों को पता होती है, क्योंकि आपने इससे पहले के 10th और 9th में आपने डायग्राम वगैरह के टॉपिक पढ़े होते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो हमारा चैप्टर 8 होगा, ठीक है, उसमें सिर्फ क्या होगा, सिर्फ एक ही वीडियो के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर क्या है ख़त्म है। क्यों? क्योंकि उसमें जो मेन टॉपिक है ना वही मैं आपको बात करूँगा, और उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन नहीं कि ऐसा जो पेपर में आता हुआ, ठीक है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 है हमारा कलिक श्रृंखला, ठीक है, कलिक श्रृंखला ग्राफ, या फिर इसी को रेखीय ग्राफ कहते हैं। तो अब इसमें हमें देखो क्या है, इसमें हमने क्या करा, जैसे आपने 9th वगैरह में आपने पढ़ो ग्राफ के बारे में, ठीक है। अगर हमारे पास ग्राफ हो तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं या किन किन चीज़ों को रखना चाहिए, अगर मान लो आप ग्राफ वगैरह बनाते हो, तो वही सारी की सारी वीडियो मतलब बातें हमें इसमें डिस्कस करनी है। तो आप लोग यार वीडियो को ना शुरू से लेकर लास्ट तक का देखो, क्यों? क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन रहेंगे, जो टॉपिक है वो बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर क्या बहुत आसानी तरह से क्या इसको मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। तो पहला हमारा जो मतलब कह रहा है कि ग्राफ की रचना देखो, अगर हम मान लो हमारे पास कोई भी डेटा बेस हो, कोई भी डेटा हो, उसके बेस पर हमें क्या करना, अगर ग्राफ को ड्रॉ करना होता है, ग्राफ बनाना होता है, तो हमें किन किन बातों को पता होना चाहिए या किन किन बातों की हमारे पास जानकारी होना चाहिए। रीज़न क्या होता है, बहुत सारे बच्चे क्या होता है जिनके पास पूरा प्रॉपर जानकारी नहीं होती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि उनको जो ग्राफ होता है ना शुरू से लेकर उनकी समस्या होती है, और वही क्या क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। बट यह समस्या जो आपकी आज इस वीडियो के अंदर मैं ख़त्म कर दूंगा, इतनी गारंटी लेता हूँ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हमें ग्राफ को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ग्राफ को ड्रॉ करने का मतलब सिंपल याद रखना, ग्राफ हमेशा क्या होता है, प्लस के शेप में होता है। किस में होता है? अब प्लस के शेप में होता है, उसमें कुछ बातें, कुछ चीजें होती है जो आपको याद रखना है। तो पहले याद रखना हमारे पास दो, ठीक है, दो हमारे यहाँ पर लाइनें होती है, ठीक। एक तो जो बिल्कुल जो खड़ी लाइन होती है, ठीक है, वो तो जो खड़ी लाइन होती है उसको हम क्या भुज कहते हैं, और जो यहाँ पर क्या होती है एक तरह से ऊर्ध्वर होती है, ठीक है, सॉरी क्षैतिज होती है, उसको हम क्या कोटि कहते हैं। समझ मारा होगा? आ देखो, जो खड़ी वाली लाइन होती है बिल्कुल जो स्ट्रेट होती है उसको वाई एक्स से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं भाई? उसको वाई एक्स से डिनोट करते हैं। और जो इस तरह की लाइन होती है मतलब क्षैतिज होती है उसको हम किससे करते हैं? एक्स अक्ष से। दो बातें पता चल गई कि जो हमारी स्ट्रेट लाइन होगी उसको भुज कहते हैं और इसको वाई एक्स से डिनोट करते हैं। दूसरा कह रहे कि हमारे पास क्या होता है कि जो क्षैतिज होती है उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर? कोटि कहते हैं, या फिर उसको एक्स अक्ष पे कहते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने प्लस का यहाँ पर डायग्राम बनाया ना, तो वो चार पार्टों में डिवाइड हो गया। क्या करो मैं, वो पूरे पूरा 1 2 3। अब इन्हीं को हम चार पार्ट को ना कहते हैं चतुर्थांश। देखो शब्दों में ही लिखा हुआ है, चतुर्थांश की कोई भी चीज़ होगी वो कितने भागों में डिवाइड हो जाएगी भाई? चार भागों में डिवाइड हो जाएगी, ठीक। बिल्कुल हलवा तरीका बता रहा हूँ, बिल्कुल आसान तरीका है, कुछ नहीं करना, बस आप लोग वीडियो को ध्यान से, ठीक है, देखना, एक से दो बार देखना, आपका ये चैप्टर बिल्कुल क्या कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब ये चार भाग हो गया। देखो जो प्रथम भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, जिसको हम क्या फर्स्ट से डिनोट करते हैं, और इसमें हमेशा जो वैल्यू होगी ना वो मेरी क्या क्या प्लस प्लस वाली वैल्यू होगी। क्या होगी? प्लस वाली वैल्यू होगी। अगर मान लो आप करोगे सर नहीं हमें समझ नहीं आ रहा है, तो हमें एग्जाम्पल मान लो मैं करूँगी मेरे पास एक नंबर ये रहा और दूसरा ये रहा, हमें इसके ऊपर प्लॉट करना है। क्या करना? हमें इस डायग्राम के ऊपर प्लॉट करना है। एक चीज़ और याद रखेंगे, जब भी ये और ये दोनों ही क्या कहलाते हैं, इनको अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जिसको हम निर्देशांक कहते हैं। कहते हैं निर्देशांक, इंग्लिश में इसको कोऑर्डिनेट कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। तो जो पहली वैल्यू होती है हमेशा एक्स एक्स पर डिनोट की आती है, और जो दूसरी वैल्यू होती है हमेशा वाई एक्स डिनोट किया जाते हैं, ठीक है। गाइज अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है ना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट में बिल्कुल भी कमी नहीं करनी है, ठीक है।
तो अब देखो यहाँ पर जैसे मैं कह रहा हूँ दो, तो दो मैंने कहाँ डिनोट करेंगे, एक्स अक्ष पे, तो एक्स अक्ष पे दो ही हो गया, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि वाई अक्ष पे कितना, तीन, तो वाई अक्ष का अगर आप देखोगे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, तो वाई अक्ष पे तीन, तो वाई अक्ष का तीन दिख रहा है, तो ये पॉइंट हमारा क्या जाएगा, ये हमारा 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहा है, तो बस देखो कि दोनों अगर प्लस का होगा तो कौन सा होगा, प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। अब दूसरा कह रहे हैं यहाँ पर, दूसरा कह रहे हैं द्वितीय, ठीक है। सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि पहली वैल्यू माइनस होगी, दूसरी क्या प्लस होगी। जैसे अगर मान लो इसी एग्जांपल को मैं लिख दूँ यहाँ पर -2 और यहाँ 3, मैंने कहा था पहला कोई भी चाहे माइनस प्लस कुछ भी हो, तो पहली वाली जो वैल्यू होगी किस पे जाएगी, हमेशा एक्स अक्ष पे, और दूसरी वाली वैल्यू होगी किस पे जाएगी भाई, ये वाई अक्ष पे। समझ में आ रहा होगा, ठीक। अगर समझ में आ रहा है यार एक कमेंट कर दो यस, या थम्स अप भेजिए कि सर हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। ये रहा, अब जैसे मैं मान लो इसको डिनोट करता हूँ, तो -2, मैंने कहा था -2 ये रहा, और फिर कह रहा 3, तो ये देखो इसके सामने आपकी वैल्यू आएगी -2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, क्लियर यहाँ तक। अब तीसरा जो हमारा कोऑर्डिनेट हो रहा है, तीसरा कोऑर्डिनेट क्या होता है यहाँ पर, थर्ड कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या होता है कि दोनों वैल्यू क्या होगी हमेशा माइनस में आएगी, क्या होगी, दोनों वैल्यू क्या होगी माइनस में। जैसे मान लो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ -2 और यहाँ पर -3, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब देखो मैंने कहा था पहली वैल्यू कहाँ जाएगी, कुछ भी हो पहली वैल्यू जो होगी यहाँ पर, जो भी आपके कोऑर्डिनेट्स जो भी निर्देशांक देंगे उसमें जो पहली वैल्यू होगी हमेशा कहाँ पर जाएगी, एक्स अक्ष पर जाएगी, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मान लो माइनस कह रहे कि -2, तो -2 ये रहा और फिर -3, अगर हम देखें यहाँ पर ये हमारी वैल्यू यहाँ पर लाई करेगी, क्या करेगी यहाँ पर लाई करेगी, क्लियर है ना। तो ये हमारा कौन सा होता है, ये हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट होता है। और जो अगर हम फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, ठीक है, तो फोर्थ कोऑर्डिनेट की, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा कि एक वैल्यू पहली वैल्यू आपकी जो प्लस की होगी, दूसरी वैल्यू आपकी क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। तो जैसे मैं करूँ 2, तो आपका 2 इधर आएगा और 4 का आपका इधर आएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती है उसको हम ओरिजिन पॉइंट कहते हैं, फिर हम उसको मेलू कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, मूल बिंदु। तो ये हमारा क्या होता है कि जो ग्राफ की रचना में कुछ बातें को हमें क्या करना, ध्यान में रखना होता है, ठीक है। तो जहाँ पर हम ग्राफ वगैरह को ड्रॉ करते हैं, अब जैसे मान लो आपसे, ठीक है, आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ, कुछ वैल्यू दे रहा हूँ कि ये कौन से कोऑर्डिनेट, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी, सेकंड, थर्ड में। जैसे मैंने आपको यहाँ पर कुछ वैल्यू लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कुछ वैल्यू लिख दे रहा हूँ, आप लोग मेरे को इसको कमेंट करके बताइए, ठीक है। जैसे मान लो आपकी पहली वैल्यू ये रही, ठीक है, पहली वैल्यू आपको लिख रहा हूँ -2 और 3, ठीक है। दूसरी वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पर 8 और यहाँ पर -7, ठीक है। तीसरी वैल्यू आप लोगों को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 8 माइनस में और फिर यहाँ पर क्या, -2, ठीक है, ये हो गया। फिर चौथी वैल्यू मैं आप लोगों को लिख रहा हूँ कि 5, ठीक है, 5 होएगा माइनस का और यहाँ पर कितना, 6। ये बताओ मेरे को, आप लोग कमेंट करके बताओ कि ये जो सारी वैल्यू है ये कौन कौन से चतुर्थांश में आएगी, ठीक, आप लोग कमेंट आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा, मतलब जो दूसरा टॉपिक, इससे क्या कह रहे हैं कि अच्छे ग्राफ की रचना के नियम। अगर मान लो भाई हम लोग क्या करते हैं कि एक बहुत अच्छा ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर हमें इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी मतलब प्रोजेक्ट वगैरह पे काम करना है, तो हमें किन बातों को ध्यान में रखना होगा, क्या कह रहा हूँ, हमें किन बातों को ध्यान में रखना होगा, चीज़ों को, ठीक है। तो पहला कह रहा है भाई कि जब भी आप कोई ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, शीर्षक बनाइएगा। शीर्षक का मतलब क्या होता है, जिसके बारे में हमें पूरे ग्राफ के बारे में जानकारी पता चलती है, उस हेड मतलब उस कहते ना उस पॉइंट को पढ़कर, वो जो टाइटल होता है ना, शीर्षक को टाइटल कहते हैं, तो उस टाइटल को पढ़कर हमें समझ में आता है कि हाँ इससे रिलेटेड यहाँ पर क्या डेटा या डायग्राम बनाया गया। दूसरा कह रहा है पैमाने का चुनाव। अब पैमाने का चुनाव का मतलब क्या होता है, हर एक चीज़ को ड्रॉ करने के लिए बहुत सारे डायग्राम्स होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई हमारा हिस्टोग्राम्स बना देगा, कोई हमारा पाई चार्ट होता है, पाई बार मतलब पाई ग्राम हो पाई डायग्राम हो सकता है, ठीक है। फिर आपका होता है फ्रीक्वेंसी डायग्राम वगैरह। तो अब यहाँ पर बनाने के लिए ना अलग अलग हमारे पास क्या मेजरमेंट, अलग अलग पैमाने हो सकते हैं, तो हमें उसको देखना है कि जो हमारे डायग्राम के लिए क्या बेहतर है, उचित है, ठीक है, सफिशियंट है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। अब यहाँ पर कह रहा है कि अक्षों का चुनाव का अनुपात। अब देखो अक्षों का चुनाव का अनुपात का मतलब क्या था, कहीं ना कहीं कह रहा है कि आपसे कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है, तो जैसे कहते हैं 2 कोऑर्डिनेट 3 हो गया, 4 कोऑर्डिनेट 5 हो गया, तो आपको यहाँ पर भी इसका चुनाव करना, क्यों, क्योंकि हमारे पास 2 एक्सेस होते हैं, 1 एक्स एक्सेस, दूसरा क्या होता है भाई वाई एक्सेस। समझ में आ रही होगी वीडियो को यार, अगर आपको समझ में आ रही ना वीडियो को एक बार मेरी तरफ से क्या शेयर कर दो, क्या कर दो, शेयर कर दो, ठीक। आप लोगों के एग्जाम आने वाले हैं यार, उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक।
दूसरा कह रहे हैं बिंदुओं का चुनाव, अब बिंदुओं को अंकित करना, अंकित करने की विधि। अब देखो बिंदुओं को अंकित करने की विधि का मतलब क्या होता है, वैसे इसमें सिंपल बात है, जब भी आप बिंदुओं को अंकित करिएगा तो आप वहाँ पर क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हमारे कोई भी कोऑर्डिनेट होगा तो उसका जो फर्स्ट वैल्यू होगी चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो तो हम किस पे करेंगे, एक्स एक्सिस पे डिनोट करेंगे, और दूसरा क्या होता है चाहे हमारे प्लस हो चाहे माइनस हो उसको हम किस पे, वाई एक्सिस पे करेंगे। समझ में आ रहा होगा यहाँ तक, ठीक है। और चौथा का जरा विभिन्न प्रकार की रेखा है। अब रेखा का मतलब क्या होता है, देखो डायग्राम को ड्रॉ करते समय ना बहुत सारी चीज़ों का यूज़ किया, जैसे कुछ होते हैं कुछ हमें डायग्राम्स, मान लो जैसे कि हमारे पास डॉट है, ठीक है, ऐसा करके मान लो हमारे पास क्या ये डॉट है, तो कुछ ऐसे डायग्राम होते हैं जिनको डॉट से हम बना सकते हैं, ठीक है, ऐसा करके, या कुछ मान लो अगर डायग्राम हमारे को मान लो ऐसा करके मिले हैं, ठीक है, तो ये पॉइंट हो गए ये और ये, तो इसको हम डॉट कर मतलब अलग डाय, तो यहाँ पर करें जो रेखाओं के लिए ना उसको भी क्या हम विभिन्न प्रकार के रेखाओं का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। दूसरा देखो टॉपिक कह रहा हमारा, कह रहे चित्रीय, कह रहे यहाँ पर ठीक है चित्रीय प्रस्तुतिकरण, कह रहे कि चित्रीय तथा ग्राफिक प्रस्तुतिकरण के लाभ। अब देखो यहाँ पर बहुत अगर क्वेश्चन आने के चांसेस होंगे तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अदरवाइज यहाँ से बस एक आपको बस नॉलेज रखना जरूरी है। कह रहे चित्र प्रस्तुतिकरण या ग्राफिक प्रस्तुतिकरण, अगर मान लो हम कोई डायग्राम बना रहे हैं, कोई ऐसा कुछ डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लाके, मतलब डेटा को प्लॉट कर रहे हैं, तो उससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती है, माफ़ करना भाई, ठीक। दूसरा कह रहे यहाँ पर सरल व सुबोध सूचना होती है। अब देखो जब भी होता ना कि कोई चीज़ अगर मतलब एक तरह से पैराग्राफ में लिखी हो, अगर उसी डेटा को उठा के मैं डायग्राम के थ्रू शो कर दूँ या ग्राफ के द्वारा प्रेजेंट कर दूँ, ठीक है, या फिर मैं मान लो यहाँ पर ग्राफिक उसका रिप्रेजेंटेशन कर दूँ, तो बताओ कौन सा अच्छा रहेगा, वो रहेगा, क्योंकि वहाँ पर जो पूरी लाइनें पढ़कर हमें जानकारी मिलेगी वो हम डायग्राम को या ग्राफिक चीज़ों को देखकर ही हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर पता लगा सकते हैं, तो पहला लाभ ये होगा। दूसरा कह रहे अधिक समय तक याद रहना। अब देखो ग्राफ वाली चीज़ें होती है ना, हमारे हमारा जो माइंड होता है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो चीज़ों को इमेज को बहुत ज़्यादा कैप्चर करता है और एक लॉन्ग मेमोरी में कन्वर्ट कर देता है, क्या कहते हैं लॉन्ग मेमोरी में कन्वर्ट कर सकता है। अगर जैसे मैं आप लोगों से पूछूं कि अगर आपने देखा होगा कभी, मतलब जैसे कोविड था तो उसमें आपने न्यूज़ वगैरह अगर आपने देखे होगी तो वहाँ पर डेथ रेट का जो अगर आप बात करोगे बार ग्राफ हो जाएगा, ठीक है, बार ग्राफ तो काफ़ी अपर था, ऐसा करके उसमें भी ज़्यादा अगर मार्क के जो मतलब 45 से लेके अबाउ जो एज थी उनमें ज़्यादा उनकी डेथ रेट थी, तो हमारे दिमाग मतलब हमारे माइंड में क्या आता है कि वो ग्राफ वगैरह क्या अच्छे से लंबे समय तक हमें से क्या आता है हमें याद रहता है, क्यों, क्योंकि हमारे बिल्कुल एक तरह से हमारी आँखें उसको मतलब कैच कर लेती है उसके इमेजेस को, ठीक है। तीसरा कह रहे यहाँ पर समझने के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं। अब सोचो मैं कह रहा हूँ कि मैंने किसी को बता दिया कि भाई कोई भी वैल्यू होगी पहली एक्स पे होगी दूसरी वाई पे, क्या उसके लिए ज़्यादा उसको पढ़ रहे लिखने की जरूरत है, नहीं, क्यों, क्योंकि ग्राफ को देखकर कोई भी व्यक्ति अनपढ़ इंसान भी कह सकते हो या फिर जिसके पास कम नॉलेज है वो भी क्या करेगा इसको बता सकता है, तो इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर जब भी कोई चीज़ ग्राफ में रिप्रेजेंट की जाती है तो उसके लिए कोई हमें पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक नॉलेज नहीं चाहिए होता है, ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है कि हमारा आकर्षक एवं प्रभावशाली। अब सोचो यहाँ पर अभी तो देखो मैंने यहाँ पर आपको समझाया ऐसा करके, लेकिन जब हमारा फर्स्ट पहला डायग्राम तक आपको अच्छा लग रहा था, नहीं, अगर अच्छा लग रहा था कमेंट सेक्शन को यस सर अच्छा लग रहा था, ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि जब भी हम कोई डायग्राम बनाते हैं ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो वो आकर्षक एवं प्रभावशाली होते हैं, ठीक है। और चौथा कह रहा है विभिन्न विषयों की तुलना। अब जब आकर्षक होंगे मान लो कोई डायग्राम बनाए तो हम क्या उनके मतलब कंपैरिजन कर सकते हैं, सिंपल ही बात है कंपैरिजन कर सकते हैं। और यहाँ पर कह रहे लास्ट पॉइंट, ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या था, विभिन्न विषयों की तुलना करना। और यहाँ पर एक अगर छोटा सा क्वेश्चन आपका आ जाएगा, चित्र तथा ग्राफिक प्रस्तुतिकरण की सीमाएं। देखो सीमाएं वर्ड का मतलब क्या होता है, सीमाएं वर्ड का मतलब क्या होता है कि जब किसी चीज़ की कमियाँ, क्या होता है किसी चीज़ की कमियाँ, जैसे हमने स्टार्टिंग में आपको फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था सांख्यिकी की सीमाएं, माफ करना भाई, ठीक, देखो सांख्यिकी की सीमाएं, तो वहां पर मैंने आपको पढ़ाया था कि सीमित उपयोग। अब देखो जो ग्राफिक होता है ना चित्रीय या ग्राफिक प्रस्तुतिकरण का ना, इसका लिमिटेड यूज होता है, क्या होता है एक तरह से लिमिटेड यूजेज होते हैं इसके, ठीक है। दूसरा अगर यहाँ पर दुरुपयोग, कभी कभी क्या होता है जो ग्राफ वगैरह में आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल वगैरह पे या फिर कुछ और भी जो चीज़ जैसे मतलब हम कोई चीज़ देख रहे होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि ग्राफ वगैरह जो होते हैं ना उनका मिसयूज़ कर लिया जाता है, क्या होता है उनका मिसयूज़ कर लिया जाता है। और लास्ट पॉइंट कह रहा है केवल प्राथमिक निष्कर्ष होते हैं। अब देखो इससे क्या होता है ना, हम पूरी जानकारी तो निकाल सकते हैं लेकिन ना पूरे करेक्ट एग्जैक्टली जो बातें होनी चाहिए ना वो नहीं निकाल पाते, जस्ट एज अ हमें कंक्लूजन को ही प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं उसी को केवल प्राथमिक निष्कर्ष इससे हम ज्ञात कर
मतलब निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यार अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। तो यार इस वीडियो में अब हमारा क्या होता है कि यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 8 होता है ये पूरी तरह से क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब जो हमारा चैप्टर रहेगा अगला, और भाई अगला जो चैप्टर होगा ना बहुत ज़बरदस्त है, क्यों है, क्योंकि वहाँ से हमारे क्या होते हैं न्यूमेरिकल शुरू है, क्या कह रहे हैं, वहाँ से हमारे क्या होते हैं न्यूमेरिकल शुरू है। और फिर अब आप लोगों को क्या होगा, न्यूमेरिकल के सारे जितने, और एक बेहतरीन अप्रोच के साथ बेहतरीन तरीके से आपको हर एक कंसेप्ट को वहाँ पर आप लोगों में क्लियर करूँगा। तो हम लोग मिलते हैं कौन से चैप्टर नंबर 9 में और उसके जो अलग अलग पार्ट होंगे। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, शेयर करते रहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।